हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पीसीएस का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया गया था। अभी दो दिन पहले नोटिफिकेशन आई थी जहां पर यह बताया गया था कि 21 जून को जो प्रस्तावित हमारी पीसीएस का एग्जाम था, प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थी, वो अब पोस्टपोन कर दी गई थी। लेकिन उसके बारे में फिर आइडिया नहीं लग रहा था कि किस डेट को ये एग्जाम होगी। तो पीसीएस ने 9 जून के दौरान में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उस नोटिफिकेशन में ये बता दिया है कि क्या एग्जाम का आगे प्रारूप रहेगा, कैसे एग्जाम होने वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे एग्जाम कैलेंडर निकाल दिए गए हैं, जिसमें कि जो मुख्य परीक्षा है, जो मेंस एग्जामिनेशन है 2019 का, वो 25 जुलाई से प्रस्तावित है, 25 जुलाई को हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, पीसीएस, अपर पीसीएस और कंजर्वेटर फॉरेस्ट की, वो अब जो 21 जून को होने वाली थी वो अब 11 अक्टूबर को चली गई है। यानी कि यूपीएससी का एग्जाम, सिविल सर्विसेज का एग्जाम 4 अक्टूबर को, और उसके एक हफ्ते बाद ही आपको पीसीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसलिए काफी अच्छे से, काफी जोर शोर से तैयारी करने की जरूरत है। दोनों एग्जाम लगे हाथ एक साथ ही होने वाले हैं। अगर इसके मेंस के बारे में बात करें तो देखिए, मेंस एग्जामिनेशन इसी एग्जाम का, 2020 का जो मेंस एग्जाम होगा वो 22 जनवरी से प्रस्तावित है, और वही अगर यूपीएससी का देखेंगे तो 8 जनवरी से प्रस्तावित है। तो यहां पर भी आपको दोनों ही लगे हाथ एक साथ ही देना पड़ेगा। इसलिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों के दोनों एग्जाम आपको पैरेलली लेकर चलने पड़ेंगे, दोनों की परीक्षा की तैयारी आपको एक साथ करनी पड़ेगी। ये थी पूरी की पूरी नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन आप यूपीपीसीएस जो पोर्टल है वहां पर जाकर के देख सकते हैं, ये पोर्टल पे अवेलेबल हो गया है। चलिए फिर, तैयारी करते रहिए, हम भी लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।